हाँ, एक्ट्रेस की सुसाइड मिस्ट्री। पुलिस ने को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वैशाली सुसाइड मामले में पुलिस ने आरोपी राहुल नवलानी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने राहुल पर 5 लाख रुपए का इनाम आज ही घोषित किया था और वैशाली ने सुसाइड नोट में राहुल को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। राहुल और उसकी पत्नी पर कई आरोप लगाए थे, प्रताड़ना के आरोप लगाए थे और आरोपी राहुल की पत्नी दीक्षा अभी भी फरार बताई जा रही है। लेकिन देखिए, आज जी पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था, 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और आज जी पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है क्योंकि राहुल की पत्नी दीक्षा अभी भी फरार चल रही है, उसके ऊपर भी आरोप लगे थे। यहाँ पर वैशाली ने जिस तरीके से राहुल के साथ साथ दीक्षा के लिए भी उसकी मौत को जिम्मेदार ठहराया था। साथ में इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र सर मौजूद है। सर, राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य तौर पर संवेदनशील मामला था, पुलिस ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया भी था और इस पूरे मामलों में लगातार पुलिस की टीम प्रयास कर रही थी अलग अलग जगहों पे। इस मामले में पहले भी सफलता मिल सकती थी अगर पुलिस को समय पर घटना की जानकारी मिल जाती, क्योंकि पुलिस को जानकारी आने से लगभग 6-7 घंटे पूर्व इस घटनाक्रम की जानकारी देने से पूर्व आरोपी शहर छोड़ चुका था। इसलिए पहले क्षण से ही जब पुलिस ने प्रयास करना शुरू किया तब तक आरोपी किसी दूसरे राज्य में पहुँच चुका था। तब तक बहरहाल पुलिस ने लगातार इसमें प्रयास जारी रखा। लगातार पुलिस ने इसमें इस जानकारी के आधार पर कि वो विदेश भाग सकता है, इसमें लुकआउट सर्कुलर जारी किया, इसमें इनाम घोषित किया और अंततः इस समन्वित परिणाम का समन्वित प्रयास का आज परिणाम सामने आया। सर, जो इसकी पत्नी है वैशाली, उसने भी कहीं ना कहीं वैशाली को प्रताड़ित किया था, दीक्षा ने, जो राहुल की पत्नी दीक्षा थी, तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया था। सर, अभी क्या वो फरार है? उसमें मुख्य भूमिका तो राहुल जो आरोपी था, मुख्य आरोपी था, बाकी उसके पत्नी का भी उसमें नाम है और उससे जुड़े जो तथ्य हैं पुलिस उनकी भी तस्दीक कर रही है, उसे भी पूछताछ की जाएगी और उसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी। अभी सर क्या पत्नी फरार चल रही है, कहाँ है, कुछ जानकारी अब पुलिस तलाश कर रही है और उम्मीद है कि जल्दी पुलिस पहुंच जाएगी। तो लंबे समय से राहुल जो है वो फरार चल रहा था, 5,000 रुपये का राहुल पर इनाम घोषित था, पुलिस ने उसको राजस्थान अलग अलग जगहों पर टीम गठित कर छापेमार कार्रवाई कर सर्चिंग भी की थी लेकिन वहाँ से फरार हो गया था, इंदौर किसी से मिलने के लिए पहुँचा था, इसी बीच पुलिस के हाथ हत्ते राहुल चढ़ा था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस राहुल से पूछताछ कर रही है और इसके साथ ही राहुल की पत्नी दीक्षा की तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, News24 इंदौर। हेमंत शर्मा खुद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हेमंत, अभी हमने आपकी कॉन्वर्सेशन सुनी है पुलिस अधिकारी के साथ, राहुल पुलिस की गिरफ्त में है, दीक्षा जो है अभी भी गिरफ्तार से बाहर है, लेकिन पूछताछ हुई होगी अभी राहुल से, क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आई है, क्या उसने कुछ कबूला है? देखिए बिल्कुल दीपिका, आपसे कुछ देर पहले राहुल गिरफ्तार हुआ है, फिलहाल उससे गिरफ्तारी की जो कार्रवाई वो यहाँ पर की जा रही है। खुद इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र उससे पूछताछ करेंगे। फिलहाल जो जानकारी मिली है, राहुल अलग अलग जगहों पर फरारी काट चुका था, राजस्थान कोटा अलग अलग जगहों पर गया था, इंदौर किसी से मिलने पहुंचा था, इसी दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में मुख्य आरोपी राहुल को बनाया गया था क्योंकि जो वैशाली ठक्कर है उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था कि राहुल तरह तरह तरीके से उन्हें प्रताड़ित करता था और इसके साथ साथ जो उनके मंगेतर थे जिनसे उनकी सगाई हुई थी उसे भी कुछ अनर्गल मैसेज किए थे जिसके कारण उनकी सगाई जो है वो यहाँ पर टूटने की कागार पर थी। तो काफ़ी डिप्रेशन में यहाँ पर जो वैशाली है वो थी, जिसके बाद उसने आत्महत्या जैसा कदम यहाँ पर उठा लिया था और 8 पेज के सुसाइड नोट में पति पत्नी दोनों के नाम उसमें थे, राहुल और राहुल की पत्नी जो दिशा है दोनों के नाम उसमें लिखे हुए थे, जिसमें जिसके बाद से ही लगातार पुलिस जो है वो राहुल और दिशा की तलाश में जुटी हुई थी। देखिए सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जिस दिन आत्महत्या की थी उसी रात को राहुल परिवार सहित गायब हो गया था। आखिरी बार वैशाली से बात होने की भी बात सामने आई है कि रात में जब वैशाली ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था तभी वहां पर राहुल को जानकारी थी। इसके बाद राहुल अपने साथ उसके साथ कौन कौन मेंबर्स चले गए, तो उसके बाद से राहुल यहां पर उसके साथ और कौन था राहुल के साथ? देखिए राहुल परिवार सहित, देखिए बिल्कुल राहुल पत्नी और बच्चों के साथ में फरार हो गया था। उसके बाद लगातार पुलिस ने अलग अलग जगह पर छापेमार कार्रवाई की। अब देखिए पुलिस ने टीम गठन की थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह ही समीक्षा बैठक में कड़े निर्देश जारी किए थे, फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो। परिवार ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला था आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर। तो पुलिस ने यहाँ पर कड़ी मेहनत के बाद में जब पुलिस को सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली इसके बाद पुलिस ने आरोपी को इंदौर के देवास नाके से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल पुलिस जो है उससे पूछताछ में जुटी हुई है। अभी राहुल का मेडिकल कराया जाएगा और सुबह खुद इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र राहुल से पूछताछ करेंगे। पूछताछ के मुख्य बिंदु जो है वो
यही होंगे कि किस प्रकार से उसने प्रताड़ित किया था ये हो। इसके साथ साथ उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे उसका मोबाइल पुलिस ने जब्त किया, मोबाइल के अंदर कई मैसेज मिले हैं जो राहुल ने उसके जो मंगेतर थी मंगेतर को किए थे वैशाली के। तो अब जो है अलग अलग बिंदु पर पुलिस तो जाहिर सी बात है पुलिस ने सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार की होगी होगी और सारे सवाल राहुल से दागे जाएंगे। लेकिन दीक्षा जो राहुल की पत्नी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, देखना होगा उसकी गिरफ्तारी कब होती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। इससे पहले इंदौर में टीवी एक्ट्रेस वैशाली के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को अरेस्ट करने की मांग की थी। तो वहीं पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। राहुल की पत्नी पुलिस की सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। देखिए किस तरीके से यहां पर हाथों में बैनर लिए कैंडल मार्च करते हुए वैशाली के परिजन सड़क पर उतरे हैं। वैशाली के चाहने वाले और वैशाली के अपने वैशाली के हक के लिए सड़कों पर उतरे हैं। जस्टिस फॉर वैशाली, वैशाली ठक्कर को इंसाफ दो, ये हाथों में पोस्टर लिए हुए देखे इंदौर में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च निकाला उसको जस्टिस के लिए और उसको न्याय मिले ऐसा मुझे पूरा भरोसा है न्याय मिलेगा, क्योंकि शिवराज सिंह जी ने भी बोल दिया, मुख्यमंत्री जी ने भी कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, कानून पर के उसको सजा मिलेगी सख्त से। कब तक भागेंगे, कब तक भागेंगे, पकड़ में आएंगे आज नहीं एक दिन दो दिन चार दिन कब तक भागेंगे, आखिर उनको आना ही पड़ेगा और या तो गिरफ्तारी होगी या सरेंडर करना पड़ेगा जो भी है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक तो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। सब मैंने सुना है